हुए हैं उनसे गुजारिश है बराए करम तमाशा न देखें, अपने अपने घरों पे चले जाएं, किसी की दुकान को बराए करम नुकसान न पहुंचाए। जो भी जिनके बच्चे भी हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम रोड पे कोई भी न रुकें। जो हजरात भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन तमाम से गुजारिश है कि बराए करम कोई साहब रोड पे नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से व्हाट्सएप फेसबुक भी अफवाह जो फैला है, और उसके अलावा जो है हमारे नांदेड़ में अमनो अमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग रजा चौक पे खड़े हुए हैं, तमाम सुकून से तमाम लोग जा चुके हैं। कुछ लोगों ने जो है जो शर्त है उनको भी उनके घर भेज दिया गया है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने घरों पर चले जाएँ, किसी भी तरह की अफवाह पर तवज्जो न दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा शहर अमनो अमान में है। मेरी आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बराए करम अपने अपने घरों में चले जाएँ, मस्जिदों में चले जाएँ, और कोई भी रोड पर रुककर जो है किसी को तकलीफ़ न दें। ये हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमारे मुल्क में किसी भी हमारे मुस्लिम भाई किसी भी भाई दीगर भाई की किसी नुकसान को दुकान को नुकसान न पहुंचाए। तमाम हजरा से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने अपने घरों को चले जाएं और इत्मीनान से अपने मकान में रहें, रोड पर कोई भी न रुकें। पहले से ज़्यादा बंदोबस्त नहीं किया गया था, उसको लेकर आपने क्या क्या जो है तो व्यवस्था की? काफ़ी बंदोबस्त था और शांतता का आह्वान बार बार किया जा रहा है। मेरी सभी से विनती है कि निवेदन का काम हो चुका है, सब अपने अपने घर में चले जाए। बिल्कुल यहाँ पे बिना वजह पथराव वगैरह मत करो, शांति से अपने घर पे निकल जाओ। जिस तरीके से अफवाह नहीं पसरना, इसलिए आप क्या अपील करना चाहते? बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूरा बंदोबस्त है, पूरे शहर में बंदोबस्त है, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान मत दो, शांति बनाए रखिए। कुछ एक दो तत्व रहते हैं जो अशांति चाहते हैं, उनके पीछे मत भागो और अपने दिमाग से काम चलाओ और शांति से अपने घर पे चले जाओ। पुलिस का भी सहकार्य है? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस का सहकार्य है, पुलिस बार बार आह्वान कर रही है, आप देख रहे हो चारों तरफ से हम अपील कर रहे हैं लोगों को और लोग जा रहे हैं। अभी तक यार वो थोड़ा सा अभी ये टाइम भी नहीं है। नहीं नहीं सर, अलग था ये।